शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए चर्चा करते हैं कि क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनको जीवन में काफ़ी संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपको हानि हो सकती है, विवाद में आप घिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ये स्थिति आपके लिए बेटर नहीं हो सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जबरदस्ती किसी विवाद का विषय बनते हैं तो हम भी चर्चा में आते हैं और चीज़ें उस प्रकार से नहीं चल पाती जिस प्रकार से उनको चलनी चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि वृषभ है उनके जीवन में भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आपको लाभ होगा, चीज़ें आपकी पहले से बेटर होंगी, आपको स्थिति बेटर होने का अनुभव भी होगा। थोड़ी सी खर्च की अधिकता ज़रूर होगी लेकिन धन भी आपको प्रचुर मात्रा में आएगा, तो आप उसको बैलेंस कर लेंगे और चीज़ों को बेटर करने का पहले से ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से नॉर्मल है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन आपका उदास है, चीज़ों को लेकर आप मन की भावुकता बढ़ गई है, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खिंचतान चल रही है जिसके कारण भी आपका थोड़ा सा मन उदास रहता है, पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम थोड़ा सा समय को समय दे दें ताकि हमारी चीज़ें पहले से बेटर हो जाए और हम परेशानियों से बाहर आ जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो कर्क राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से नॉर्मल है, चीज़ों को बेटर करने का आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमेशा दूसरों की कही बातों पर को सुनकर अपने जीवन में अपने लक्ष्य को या अपनी चीज़ों को डिसाइड ना करें, क्योंकि कई बार जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है उसे हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे आसपास इतने निगेटिव वातावरण फैलाने वाले लोग होते हैं कि वो हमें सच्चाई देखने ही नहीं देते। तो इस स्थिति से अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो आप अपने बहुत से रिश्तों को खो देंगे और आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको भविष्य में आ सकते हैं, खासकर अपने स्वास्थ्य को लेकर आप असावधानी बिल्कुल भी ना बरतें। तो चलिए एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं है, आपको पैसों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना है, चीज़ों को बेटर करने के लिए बेटर प्रयास करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपके प्रयास में कमी लग रही है जो आपको बेटर नहीं करने दे रही है चीज़ों को और आपकी स्थिति बिगड़ते जा रही है। अगर चीज़ों को बेटर करके नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हताशा बढ़ेगी और आपकी स्थिति पहले से ख़राब हो जाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चीज़ों को बेटर करें, अन्यथा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आप आ सकते हैं। और अगर वाहन खरीदने का आप विचार कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए ये टाल दें, क्योंकि भविष्य में हमको अपनी अच्छे और बुरे दिनों के लिए कुछ धन संचय करके रखना चाहिए, क्योंकि कब स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बदल जाए ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए चर्चा करें कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कन्या राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से तो नॉर्मल है लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है, चीज़ें आपकी उलझ कर आ रही हैं, संयोग आपको लोगों का नहीं प्राप्त हो रहा है जिसके कारण आप जिस प्रकार से अपने कैरियर को या अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहते हैं उस प्रकार से नहीं संभाल पा रहे हैं, इसके कारण आपको हानि होने की संभावनाएं मुझे प्रबल दिखाई दे रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से बेटर है, कई यात्राएं आप करेंगे लेकिन उन यात्राओं का कोई फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, फाइनेंशियल स्थिति लगातार आपकी खराब होती मुझे नजर आ रही है, चीजों को बेटर करें, थोड़ा सा आपको नुकसान भी हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ सकती है, खासकर अपने संतान और अपने पारिवारिक संबंधों को संभाल कर रखने की आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कार्य को लेकर थोड़ी सी स्थिति है, कोई आपको रास्ता मिलेगा लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन उदास है, डिप्रेशन का शिकार आप लगातार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जब हम लगातार हानि उठाते हैं या हमारे को हताशा मिलती है तो हम उस चीज़ों को उस तरीके से नहीं ले पाते जिस तरीके से हमको उसको लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में भी काफ़ी गिरावट आ रही है, लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है और लोग आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे जिसके कारण भी आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं। सोच समझ कर जीवन में निर्णय लें अन्यथा आपका भविष्य अंधकार में हो सकता है। तो चलिए एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से नॉर्मल है, चीज़ें आपकी बेटर होकर आपके सामने आएंगी, थोड़ा सा आपको पॉजिटिवनेस लगेगी, यात्राएं कर सकते हैं, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी, धोखा हुआ है
उसके प्रति भी आप अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल फील करवाएंगे और चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करेंगे। चीज़ों को बेटर करने के लिए वाणी पे संयम रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मकर राशि वालों के जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। बस स्थिति परिस्थिति को आपको अपने कंट्रोल में करना है, चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। और हमारे जीवन में हर एक उम्र में हर कार्य करने का एक वाइब्रेशन भगवान के द्वारा बनाया गया है कि हमें किस रूप में क्या करना चाहिए और किस उम्र में हमें कौन सी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो बस इसी चीज़ को आप ध्यान पर रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। समय से पहले भी अगर बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाए तो भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो समय के अनुसार अपने आप को ढालें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से तो नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं कैरियर में लगातार प्रॉब्लम आ रही है। किसी बड़ी टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। मशीनरी व्यवसाय से आप जुड़े हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। चीज़ें आपकी बेटर करने के लिए लोगों के साथ पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। बड़ा पैसा डूबने की भी आपकी संभावनाएं मुझे प्रबल दिखाई दे रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से तो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको मानसिक अशांति है। चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही है, विवाह के योग नहीं हो पा रहे, और साथ ही साथ संतान समस्या भी चल रही है, जिसके कारण व्यापार में भी जो उनका मन लगना चाहिए या जो लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, जिनसे उनका मन उदास रहता है। तो कुल मिलाकर समय थोड़ा सा इनके लिए समकारी है। तो आपने जाना क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।